यार बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है गाड़ी के हैंडल को, बिलीव मी कि मुझे लग रहा है गाड़ी बदली गई है। तो भाई सीन ये है कि मैं अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने आया हुआ हूँ, और क्यों चेंज करवाने आया हूँ बताता हूँ अभी। इस वक्त आप मेरा एक टायर जो पुराना खुला पड़ा देख सकते हैं, इसके ऊपर ये क्रैक्स हैं भाई। मुझे पता ही नहीं चला मेरे टायरों पे क्रैक्स थे, और जो कि ज़्यादातर एक्सपायर होने की वजह से ऐसा होता है। जब मैंने गाड़ी ली थी तो टायर बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन बाद में क्रैक्स देखे तो भाई उसी टाइम चेंज करवाने पड़े। तो अभी मैं चेंज करवाने के लिए आया हूँ। पहले मैं देखता रहा कि यार कौन सा टायर इसके लिए बेस्ट रहेंगे, और क्योंकि मैं थोड़ी ड्राइविंग भी स्मूथ करना चाहता था, ये टायर हार्ड भी थे। अब मसला मुझे ये आ रहा था, मेरे रिम थोड़े चौड़े थे तो मुझे छोटा टायर नहीं आना था, मतलब कि 13 इंच का आना था। तो भाई ये इस वक्त टायर को डी अटैच करते हुए रिम के साथ ही एक मशीन होती है, इसके थ्रू सबसे पहले से ये बाहर निकाली जाती है, और फिर बड़ी मुश्किल तरीके से इसे डी अटैच किया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त अभी इसको राउंड घुमाया जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये टायर जो रिम है उससे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं उनको सेपरेट करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर देन जो ट्यूब वाले टायर होते हैं। और आजकल तो गाड़ियों में चलते ही ट्यूबलेस टायर हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब इसको सेपरेट किया जा रहा है रिम के साथ, और इसी तरीके से हर ट्यूबलेस टायर को सेपरेट किया जाता है रिम के साथ। ये भी मशीन के थ्रू होता है, मतलब कि अगर मशीन नहीं है तो ये सारे काम हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए जब ट्यूबलेस टायर पंचर भी हो जाते हैं तो इसको भी थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, जैसे फट्टी वाला पंचर कहते हैं वो लगता होता है। तो भाई ये वो टायर है जो मैं दूसरे चेंज करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाइना के न्यू टायर नहीं लेना चाह रहा था, मैं यूज़ में थोड़े से जापानीज़ टायर लेना चाह रहा था, जो कि अभी ये ब्रिजस्टोन के टायर हैं। और हर किसी को पता होगा कि ब्रिजस्टोन एक बहुत अच्छी कंपनी है, गाड़ी उस हिसाब से थी, मतलब कि ये टायर भी इसके लिए बिल्कुल बेस्ट आ रहे हैं। तो और आगे भी मैं यही टायर अपनी पिछली गाड़ी में ना यूज़ कर चुका हूँ, तो अभी सिर्फ इनको एक बार अच्छे से चेक कर रहे हैं कि बिल्कुल ये ओके हैं टायर, कोई मसला तो इनमें। तो इसी तरह सारे टायर निकवा लिए हैं इसी कंपनी के ब्रिजस्टोन के। पहले जो टायर थे उनसे मुझे मसला ये होता था, वो ज़्यादा चौड़े थे, तो जो गाड़ी की कटाई है उसके अंदर मुझे इशू आता था, क्योंकि हैंडल सबको पता है मेहरान का हैवी हो जाता है। तो अभी इसके अंदर इसको लगा के ऊपर चढ़ा के चेक कर रहे हैं कि ये रिम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो एक बार चेक करेंगे भाई टायर में कोई लीकेज तो नहीं है, किसी भी किस्म की रिम्स वगैरह बिल्कुल ठीक है। और जब भी आप भी अपने टायर चेंज करवाएं इन चीज़ों को चेक करवा लिया करें तो बेहतर होता है, क्योंकि बार बार ये सब करने का टाइम नहीं होता। अभी इसको पानी में डाल के चेक कर रहे हैं तो बज़ाहिर ये टायर बिल्कुल ओके है, और चेक करने के बाद अभी से हम वापस गाड़ी के साथ लगा देंगे। तो भाई इसी तरह हम सारे टायरों को बारी बारी अब गाड़ी के साथ लगा देंगे, और उसके बाद मैं इसकी एक टेस्ट ड्राइव लूँगा कि भाई इसकी ड्राइविंग ठीक है और आगे से कितना को फ़र्क आया है। क्योंकि पहले टायर हार्ड थे, और ब्रिजस्टोन के टायर हमेशा ही सॉफ्ट होते हैं, जो लोग गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो जानते हैं कि ब्रिजस्टोन बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जो कि बहुत अच्छे टायर्स बनाती है। तो भाई पंगा ये बन गया, मेरे एक रिम में लीकेज निकल आई है। तो यार अभी तकरीबन 4 बज चुके हैं, और बाहर तो सर्दियां आ गई हैं पर अभी भी बहुत गर्मी है बाहर, और गाड़ी का काम अभी भी चल रहा है, देख सकते हैं पीछे वहां पे। तो अभी टायर खुलवाए तो छोटे मोटे एक दो और मसले निकल आए, एक रिम का मसला निकल आया, अब वो कल सही कराऊंगा, क्योंकि रिम में थोड़ी सी लीकेज है तो वो रिपेयर होगा। अब गाड़ी पुरानी हो तो ऐसे मसले तो निकलते रहते हैं, लेकिन अभी बाहर चारों टायर ब्रिजस्टोन के रखवा लिए हैं, जो कि एक अच्छी कंपनी है, मेड बाय थाईलैंड है। तो अब उम्मीद है कि गाड़ी की ड्राइव अच्छी हो जाएगी। और जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता था मुझे एक इशू आता है कि मेरा हैंडल हार्ड हो जाता है, तो वो भी मेरा इशू सॉल्व हो गया इन टायर्स की वजह से। लेकिन ये है कि सारा दिन इधर ही लग गया आज का, लेकिन ये है कि अब उसके बाद गाड़ी की मेरी ड्राइव काफ़ी बेटर हो जाएगी, और मैं चला के भी एक बार अपना एक्सपीरियंस सारा शेयर कर दूंगा कि अब गाड़ी की ड्राइव कैसी हो गई है। तो यार अभी टायर चेंज करा लिए हैं, अभी ट्राई लेने जा रहे हैं कि गाड़ी की ड्राइव में कोई फर्क पड़ा है या नहीं, और हैंडल सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो अभी निकलने लगे हैं, थोड़ी सी बैक करके निकल जाएगी आसानी से आगे के लोकल वास्ते। लोकल गाड़ी चलती है। अच्छा लॉन्ग रूट पे हवा कितनी होनी चाहिए? 28 28 28 28
ठीक है। अच्छा ये सब में सेम ही चलती है हवा? जब भी हवा चेक करवानी उसको कहना बाल चेक कर लो इसमें। ठीक है कई बाल लीक रहने देते ना। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं उस साइड से एक बार खुद भी चला के देख लेता हूँ। अभी मैं चला के देखने लगा हूँ कि कितना को पड़ा फर्क गाड़ी को। तो भाई अभी मैं ये लगा दिया अपना कैमरा। तो भाई अभी मैं ट्राई लेके चेक करने लगा हूँ कितना को फर्क पड़ा है गाड़ी को। ओए होए हैंडल तो सॉफ्ट हो गया गाड़ी का। बाकी मैं हैंडल सॉफ्ट हो गया गाड़ी का, अब क्या थोड़ा सा चला के पता चलेगा गाड़ी को। और बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है गाड़ी के हैंडल को, बिलीव मी। कि मुझे लग रहा है गाड़ी बदली गई है। पहले मेरे से एक हाथ से हैंडल नहीं मुड़ता था, मुझे दूसरा हाथ अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अब बआसानी मेरे से गाड़ी का हैंडल मुड़ रहा है। चलाई का भी कुछ खास पता नहीं चल रहा है, लेकिन सॉफ्टनेस तो फील हो रही है टायर्स के अंदर मुझे। एक बहुत सॉफ्ट हो गया हैंडल, बहुत ज्यादा, क्योंकि जितने चौड़े टायर होते हैं मेहरान वगैरह पे भैया, वो गाड़ियां जिनका स्टेयरिंग हाइड्रोलिक या पावर नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा हैंडल उनका हार्ड हो जाता है छोटे टायरों के ऊपर। पावर पे पता नहीं चलता है। छोटे टायरों का एक और नुकसान भी होता है, गाड़ी की सस्पेंशन उड़ा के रख देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी बचती है जंप्स में किसी ऐसी जगह पे तो बहुत जोर की बचती है, उसकी वजह से गाड़ी की सस्पेंशन उड़ जाती है सारी। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो, होप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।